जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज के तो वीडियो स्पेशली काफ़ी जो मेरे पास में अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैंसिल ऑर्डर को लेके आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे घबरा रहे हैं कैंसिल ऑर्डर को लेके और उनकी जो घबराहट है वो भी जायज है कहीं ना कहीं, क्योंकि कैंसिल ऑर्डर को देखिए अब इस समय पर ज्वाइनिंग आने के बाद में भी अगर कैंसिल ऑर्डर आ रहा है तो उनके दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मेरे पास में सबसे ज़्यादा जो अभी प्रेजेंट टाइम में इंक्वायरी आ रही है वो इसी की आ रही है कि सर कैंसिल ऑर्डर हमारा भी आ सकता है क्या, क्या हमारा आ गया क्या। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर आप सभी को कि असम राइफल के भी कैंसिल ऑर्डर आ गए, तो वो कैंसिल ऑर्डर नहीं आए, उन्होंने सिर्फ कैंसिल ऑर्डर ना देके अपनी ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर दिए, पहले ज्वाइनिंग ना देने का डिसीजन करके पहले जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो उनको वो अपडेट दिए, जैसे सीआरपीएफ में पहले ज्वाइनिंग दी उसके बाद में फिर कैंसिल ऑर्डर दिए, फिर कैंसिल ऑर्डर को भी कैंसिल करना पड़ा। तो मतलब असम राइफल ने सबसे पहले ही वो अपडेट दे दिए जिन बच्चों के मतलब सरनेम, फादर के सरनेम में कुछ प्रॉब्लम है या उनके जो डॉक्यूमेंट्स में जो मिसमैच हो रहे हैं जिसके आधार पर वो भर्ती में, आप सबको पता है भर्ती होने में आपका जो मूलभूत जो SSC GD में आधार लगते हैं 10th क्लास मार्कशीट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के अनुसार आप आरक्षण लेते हो, मूल निवास से आप उस स्टेट की सीटों में आरक्षण लेते हो और साथ में 10th क्लास की मार्कशीट के बेस पर आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हो। तो अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में अगर मिस्टेक पाई जाती है तो उस कंडीशन में आपको लेटर दिया जाता है। तो अभी जो असम राइफल के जो बच्चों को जो लेटर मिला है उसमें यह है कि इसके जो सरनेम है इनके फादर के सरनेम में ये मिसमैच हो रहा है इनके डॉक्यूमेंट से, तो इसीलिए इनको कैंसिल ऑर्डर भेजा है, सॉरी कैंसिल ऑर्डर नहीं भेजा है, मतलब इनको टाइम दिया गया है, एक मेल आईडी दी गई है, उस मेल आईडी में आपको 10 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को सही करवा के वापस इस मेल आईडी पर आपको सेंड करनी है, साथ में एक नंबर भी दिया है। तो उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने मेल आईडी प्रोवाइड कराई है ताकि आसानी से बच्चा कनेक्ट कर पाएगा उनसे, और नंबर भी प्रोवाइड करवाएं ताकि अगर जिस बच्चे का मतलब मान लो जो 10 दिन का समय दिया गया उसको चेंज करवाना, तो आसानी से चेंज करवा के फिर 10 दिन के बाद में उसको मेल आईडी पर वो डॉक्यूमेंट सेंड करने से कर देने से उसका ज्वाइनिंग उसी समय आ जाएगा जब बाकी बच्चों को साथ में ज्वाइनिंग आएगा, उसी समय उसका भी ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो ये अच्छी बात दी है। साथ में अब अगर आप बोल रहे हो कि और कौन सी फोर्सेस क्या आएँ, तो असम राइफल और सीआरपीएफ के आप सभी को पता अगर ये आए हैं तो आप और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है चाहिए आप SSB में, चाहे ITBP में, चाहे असम राइफल में तो आए रहे, SCISF में, इन किसी भी फोर्सेस में हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम की वजह से आपका कैंसिल ऑर्डर नहीं आएगा, आपको सिर्फ उसको अपडेट करने के लिए, इसको मतलब आपको सही करने के लिए वक्त दिया जाएगा। और इस प्रकार से असम राइफल ने मेल आईडी प्रोवाइड कराई और नंबर प्रोवाइड कराएं, उस प्रकार से आपको 10 दिन के अंदर अंदर वो सही से सबमिट करके वापस उनको मेल भेज देना है। अगर जो जिनके बायोमेट्रिक वाले जो बच्चे हैं जिनके बायोमेट्रिक मिसमैच हुए थे और कईयों के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए, पहले तो मैं सीआरपीएफ वालों को हर बार बोल रहा हूँ, इसी बार भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारी GCSE है जिनके अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं, ठीक है, बहुत ही कम GCSE हैं जिनके अभी ज्वाइनिंग लेटर इशू है, तो आपका शायद उन GCSE से ज्वाइनिंग लेटर आना है इसलिए थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो ज़्यादा चिंतित ना हो। साथ में जिनके कैंसिल ऑर्डर आ रहे हैं बायोमेट्रिक की वजह से वो भी चिंतित ना हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, जो आपसे फॉर्म फिलअप करवाए गए थे उस फॉर्म में आपके जो सिग्नेचर है वो रीचेक होंगे और सिग्नेचर मैच होते ही आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा और सेम डेट की आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। अगर उसमें कई GCSE में अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है तो आपको 5 से 10 दिन का समय और ज़्यादा लग सकता है, इससे ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो जो असम राइफल के आए हैं उन्होंने कैंसिल ऑर्डर नहीं भेज के, ये अच्छा काम किया असम राइफल की तरफ से, बहुत अच्छी अपडेट है कि मतलब मिस्टेक तो है लेकिन उन्होंने इसको एक साधारण सा तरीका दे दिया कि आप ईमेल से भेज सकते हो और फ़ोन करके भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये अच्छा तरीका था कि बच्चे को घबराहट भी नहीं होगी और भी शायद अगर ऐसा कोई आता किसी भी डिपार्टमेंट का तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस करने की जरूरत नहीं है। BSF की भी ज्वाइनिंग शुरू हो गई है तो बहुत जल्दी जिन BSF के बच्चे हैं उनकी भी ज्वाइनिंग आने लग जाएगी, बहुत सारे स्टेट में जैसे जम्मू स्टेट में आने लगी है और भी स्टेट में BSF की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और कैंसिल ऑर्डर को लेके बार बार बच्चे बोल रहे थे एक वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आपको उसी पे बना दिया है, तो आपको ज़्यादा मतलब परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। कैंसिल ऑर्डर नहीं आ रहे हैं वो आपसे या तो वेरीफाइड के लिए आ रहे हैं या जिनमें प्रॉब्लम हो रखी है उनको इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कैंसिल नहीं होगी, आपकी ज्वाइनिंग जरूर हो जाएगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है 5-7 दिन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। जय हिंद जय भारत।